हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्काई स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं जो है फ्रीबी सॉल्व क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ एचपी हाई कोर्ट क्लर्क का। इससे पहले भी मैंने ये डाले थे जिसमें मैंने इंडियन हिस्ट्री और कंप्यूटर का सेक्शन सॉल्व करके डाला था, बट काफ़ी क्वेश्चन रहते थे, तो आज मैं सेकेंड पार्ट उस वीडियो का डाल रही हूँ। तो आप देखें, एंड तक देखें वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन पे टिक कीजिए ताकि कोई भी अपडेट हो वो मिल सके आपको। तो स्टार्ट करते हैं। 30 क्वेश्चन मैं पहले डाल चुकी हूँ और 31 से स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन द वर्ल्ड वाज स्टार्टेड बाई, जो पहला न्यूज़पेपर था किसने स्टार्ट किया था? चाइना ने स्टार्ट किया था। चाइना, चाइनीज द करेक्ट आंसर। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, विच इज़ द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन भी पहले पूछा गया है इसलिए बता देती हूँ मैं आपको, विच इज़ द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया, कि कौन सा था इंडिया का फर्स्ट न्यूज़पेपर। तो उसका नाम था हमारा हिकी 21 बंगाल गजट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले पूछा गया है। 21 बंगाल गजट जो है इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डूरंड लाइन इज बाउंड्री बिटवीन। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हमारी इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं उनसे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डोरंड लाइन जो है बाउंड्री है किसके बीच में है? ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है ये बाउंड्री। तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं थोड़े थोड़े बता देती हूँ आपको। जैसे कि रेड क्लिफ है हमारे पास, रेड क्लिफ लाइन है। रेड क्लिफ लाइन जो है वो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में है, इंडिया एंड पाकिस्तान शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं। अगर मैकमोहन लाइन है हमारे पास, मैकमोहन लाइन है ये जो है इंडिया एंड चाइना के बीच में है, इंडिया एंड चाइना के बीच में है। और भी बहुत सारी हैं, आगे भी क्वेश्चन है और थोड़ी बहुत आगे मैं बताती हूँ आपको। तो डोरंड लाइन जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, रेड क्लिफ इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में है, मैकमोहन इंडिया एंड चाइना के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच अमंग फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज ए आइलैंड ऑफ पर्ल्स। आइलैंड ऑफ पर्ल्स जो है किसे बोला जाता है? तो आइलैंड ऑफ पर्ल्स जो है ये बहरीन को बोला जाता है। बहरीन जो है एक गुल्फ कंट्री है, जो छोटी सी, बहुत छोटी कंट्री है ये, तो ये समुंदर के किनारे बनी हुई है, तो इसे ही हम आइलैंड्स ऑफ पर्ल बोलते हैं। नेक्स्ट है, विच सिटी आल्सो नोन एज ए इटर्नल सिटी। तो रोम है, उसको हम इटर्नल सिटी के इटर्नल सिटी के नाम से जाना जाता है। ये इटली की कैपिटल भी है, तो पूछ सकते हैं इटली की कैपिटल कौन सी है, तो रोम है। नेक्स्ट है, विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज डार्क कॉन्टिनेंट। डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से कौन फेमस है? तो अफ्रीका जो है डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लाइटेस्ट मेटल, सबसे लाइटेस्ट मेटल कौन सा है? तो लिथियम जो है सबसे लाइटेस्ट मेटल है हमारे पास। मेटल और भी होते हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, तो ये जो है बहुत ही लाइटेस्ट मेटल पूछा हुआ है, तो वो लिथियम है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सॉफ्ट कौन से हैं, तो वो सोडियम है, सोडियम और पोटाशियम। नेक्स्ट है, विच इज़ द लार्जेस्ट डे इन द ईयर, सबसे बड़ा डे कौन सा है ईयर में? तो 21 जून जो होते हैं वो सबसे बड़ा डे होता है, 21 जून सबसे बड़ा डे होता है पूरे साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द नेम ऑफ ए ब्राइटेस्ट स्टार, सबसे चमकीला जो नक्षत्र है उसका नाम क्या है? चमकीला स्टार जो है उसका नाम क्या है? तो सीरीज जो है इसका नाम है
इसको जो है हम डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है, डॉग स्टार, डॉग स्टार। तो पूछ सकते हैं कि डॉग स्टार जो है किसे बोलते हैं, तो सीरीज को बोलते हैं हम। नेक्स्ट है द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ सॉइल्स इज कॉल्ड, सॉइल की जो स्टडी है, जो मिट्टी की स्टडी है, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं पेडोलॉजी। पेडोलॉजी जो है सॉइल की स्टडी है। तो कुछ और भी ऑप्शन दिए थे, जैसे उसमें सिस्मोलॉजी था, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए बता रही हूँ मैं, सिस्मोलॉजी एंड इकोलॉजी। सिस्मोलॉजी है, इट इज़ द स्टडी ऑफ, सिस्मोलॉजी है स्टडी ऑफ अर्थक्विक, भूकंप जो होता है उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजी बोलते हैं। और इकोलॉजी जो है ये ब्रांच है बायोलॉजी की, वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड, लिविंग थिंग्स एंड सराउंडिंग एंड देयर सराउंडिंग, जो लिविंग थिंग्स हैं और उसकी जो सराउंडिंग है उनके बीच के रिलेशन को हम इकोलॉजी बोल देते हैं। तो ये भी पूछे जा सकती है, सिस्मोलॉजी स्टडी ऑफ अर्थक्विक है। नो नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर निसे लाइन, ऑर्डर निसे रेखा। तो ये बाउंड्री है बिटवीन जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में, जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में जो है ये एक बाउंड्री है। और भी है हमारी, जैसे एक है सीज फ्राइड लाइन है, सीज फ्राइड लाइन है जो हमारी जर्मनी और फ्रांस के बीच में है, जर्मनी एंड फ्रांस, सीज फ्राइड। और ठीक है, तो ये है हमारी सीज फ्राइड लाइन है जो जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। नो नेक्स्ट है हमारे पास विच इज़ द लार्जेस्ट गुल्फ, सबसे बड़ा गुल्फ कौन सा है। तो गुल्फ ऑफ मेक्सिको सबसे बड़ा गुल्फ कंट्री है, सबसे बड़ा गुल्फ जो है गुल्फ ऑफ मेक्सिको है। नेक्स्ट है कैपिटल ऑफ जिम्बाब्वे, तो हरारे इसका नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, कैपिटल ऑफ जिम्बाब्वे कौन सी है, हरारे। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे कब सेलिब्रेट होता है, तो ये 10 दिसंबर को जो है इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स डे जो है वो सेलिब्रेट होता है, और वर्ल्ड एड्स डे जो है 1 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है। अब कुछ और भी इम्पोर्टेंट है, जैसे वर्ल्ड वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मैक्सिमम टाइम पूछते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ये होता है 5 जून को, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा ये 21 जून को होता है, 21 जून को। और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ये है 11 जुलाई को, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है जो पूछे जा सकते हैं। नो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वाइट फ्लावर हॉल रिमेन द रेजिडेंस ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश आर्मी कमांडर, कि कौन से आर्मी कमांडर थे जिसका जो है वाइल्ड लाइफ हॉल, फ्लावर हॉल जो है उनका रेजिडेंस रहा था। तो वो है लॉर्ड किचनर जी, लॉर्ड किचनर जी जो है इनका जो है ये रेजिडेंस काफ़ी टाइम तक रहा था। नेक्स्ट है वट विच इज़ द लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी ऑफ एचपी एंड सेकेंड इन इंडिया, सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी पार्लियामेंट्री की एचपी की कौन सी है जो सेकंड है इंडिया में भी, सेकंड नंबर पे है इंडिया के, वो कांगड़ा है, कांगड़ा। नेक्स्ट है द हिस्टोरिकल बिल्डिंग इन विच शिमला पैक्ट वॉज साइंड, तो उसको जो है वारनस कोट भी बोलते हैं, ये इसको हम राजभवन भी बोल देते हैं, राजभवन, राजभवन। तो
तो ये एक्ट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक्ट कब साइन हुआ था? ये हुआ था 2 जुलाई 1972 को। किसके बीच में? इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ये मेनली जो है शांति को से रिलेटेड था। और ये किसने साइन किया था? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे इंडिया की? इंदिरा गांधी थे। और जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे वो थे जुल्फिकार अली भुट्टो जी। तो वो एक्ट जो है उसमें उस टाइम पे साइन हुआ था। तो ये भी पूछ सकते हैं कब साइन हुआ था। 2 जुलाई 1972 को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन हुआ था। नो नेक्स्ट है, ऑन 23 मई 1921 महात्मा गांधी विजिटेड शिमला एंड एड्रेस्ड रिपब्लिक मीटिंग। एंड कि 23 मई 1921 को महात्मा गांधी जो है शिमला विजिट किया था। और उन्होंने मीटिंग जो है कहाँ पे संबोधित की थी? तो वो थी ईदगाह मैदान। ईदगाह मैदान में जो है उन्होंने मीटिंग जो है लोगों को संबोधित किया था। कब किया था? 23 मई 1921 को। नेक्स्ट है हमारे पास, भूमि बंदोबस्त अभियान के लैंड सेटलमेंट मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन बिलासपुर। इन कब हुई थी बिलासपुर में? तो 1930 में जो है भूमि सेटलमेंट जो है ये स्टार्ट हुआ था। नाउ लास्ट वन क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ नूरपुर वाज एट। कहाँ पे थी कैपिटल नूरपुर की? वो थी पठानकोट में। पठानकोट में। तो फ्रेंड्स ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको जो है पसंद आए हो। अभी एचपी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन रहते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही हो। तो इससे बाद हम कंप्यूटर की तैयारी डेली किया करेंगे। एटलीस्ट 10 10 क्वेश्चन तो डेली डालूंगी, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड जो है आना है, बेसिक्स जो है आने हैं तो डाला करूँगी। तो फ्रेंड्स अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू एंड गुड नाइट।